अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इकरा जुनेजा ऑफिशियल में एक बार फिर से खुशामदीद। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट, जिसने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को हिट भी कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। एक बार फिर बात करते हैं सीमा हैदर केस के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया के अंदर गैरकानूनी तरीके से दाखिल हो गई थी। उसके बाद एक मुख्तलिफ चीज़ हमने इसमें ये देखी कि वो धड़ल्ले से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। उनका यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पर भी उनका अकाउंट है और वो टाइम टू टाइम वीडियोस रिलीज़ भी करती रहती हैं। तो क्या कानून, इंडिया का कानून उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो ऐसे खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया भी चलाएं और उसके ऊपर रील्स और वीडियोस वो अपलोड भी करें? तो इस हवाले से उस कंडीशन में जब उनके ऊपर FIR है वॉरेंट एक्ट की, तो इंडिया का कानून क्या कहता है? यही सवाल लेके हम गए जो गुलाम हैदर के वकील हैं इंडिया के अंदर, जनाब मोहम्मद मलिक साहब, कि क्या सीमा को इस चीज़ की इजाज़त है, वहाँ का कानून क्या कहता है। उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया है अपनी इस वीडियो में। आए मिलकर देखते हैं कि उनका क्या कहना है कानून के हवाले से, कि क्या इंडिया का कानून इजाज़त देता है नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी है कि वो ऐसे कैसे सोशल मीडिया चला सकती हैं और उस पर वीडियो अपलोड कर सकती हैं। शुक्रिया, आए सुने वो उनका क्या कहना है। सभी को नमस्कार, सलाम दोस्तों। मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे SMS आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करके ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई महिला जो बिना वीज़ा के भारत में आ जाए और उसके खिलाफ़ FIR दर्ज हो जाए, तो क्या उसे राइट है कि वो सोशल मीडिया पर फिल्म बना के डाले या रील बना के डाले या यूट्यूब पे चैनल बनाए या कोई पब्लिसिटी करे? तो ये सवाल बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये कानूनी सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि फॉरनर्स, इंडियन फॉरनर्स एक्ट 1946 की सेक्शन 11A के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा नागरिक जो कि फॉरनर्स है और उसके खिलाफ़ FIR दर्ज हुई है, ना तो वो कोई पिक्चर बना सकता है, ना वो कोई फिल्म बना सकता है, ना कोई उसे TV पे टेलीकास्ट कर सकता है और ना ही किसी प्रकार की सोशल मीडिया पे वो कानून के अकॉर्डिंग बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लिए उसको यूज़ कर सकता है और उसको पब्लिकली शेयर कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि ऐसा भारत सरकार की हिदायतों के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट, इंडियन फॉरन एक्ट 1946 की सेक्शन 11A के अकॉर्डिंग कोई भी फॉरनर्स ऐसा नहीं कर सकता। और सीमा जो है